नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टॉक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी छोटे क्रिएटर होते हैं जो अपना नया चैनल खोलना चाहते हैं या आगे ग्रोथ पाना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आप स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 1,000 सब्सक्राइबर है और चैनल मेरा मोनिटाइज्ड है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मेरे ऊपर 2 स्ट्राइक आई हुई है और एक कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग आई हुई है। तो ये किस लिए आई है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको YouTube की पॉलिसी बताना चाहता हूँ कि ये एक YouTube की पॉलिसी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और आप खुद से भी सर्च करके इसको देख सकते हैं। मैं आपको बड़ी बड़ी जो मेन मेन चीजें हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि YouTube बाय प्रोमिसिंग व्यूज दैट वे आई मेक मनी फास्ट, तो इस तरीके की आप वीडियोज नहीं बना सकते। और भी कुछ इसमें मिसलीडिंग थंबनेल्स वगैरह के ऊपर बात करी गई है कि आप थंबनेल्स वगैरह में डिस्क्रिप्शन में इन सब का यूज नहीं कर सकते, ऐसा आप व्यूवर को बिलीव नहीं करा सकते कि आप इसमें बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे, या इस तरीके की प्रॉमिस आप नहीं कर सकते। आप कंटेंट में ऑफर वगैरह, कैश गिफ्ट, ये सब का नहीं कर सकते। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस है यूट्यूब की। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसमें थंबनेल के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कि अर्न 50,000 मंथ ऑनलाइन, जिसमें आपका अगर टाइटल भी आप देखेंगे तो टाइटल में भी लिखा हुआ है अर्न 50,000 पर मंथ विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अर्निंग मोबाइल ऐप, अर्न 50 to 1 lakh पर मंथ, स्मॉल बिजनेस आइडिया टू मेक मनी। और अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे, वीडियो को आप अगर देखेंगे तो उसमें बेसिकली रेफरल एप्स वगैरह के बारे में बताया गया है और कुछ भी नहीं है वीडियो। तो क्या होगा ना कि जो YouTube है ये ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर के ऊपर एक्शन नहीं लेता, और एक्शन लेता है हमारे जैसे जो छोटे क्रिएटर होते हैं ना, जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उसके ऊपर ये एक्शन लेता है। उनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज देता है, कम्युनिटी कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देता है। देखो मेरी जो वीडियोस थी ना, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरी 7 वीडियो यूट्यूब से कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से रिमूव हो चुकी है, आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। और 2 मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है, और एक और अगर मेरे चैनल पे आ जाती है तो मेरा ये जो चैनल है वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसमें मैं किसी तरीके की कोई भी क्लिप नहीं यूज करता, किसी की कॉन्टेंट नहीं यूज करता, प्रॉपर वीडियो मेरी होती है, वॉइस ओवर मेरा होता है, वीडियोज भी मैं अपनी यूज करता हूँ। तब भी मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई है। और तो अगर आप छोटे यूट्यूबर हैं, आपने कभी यूट्यूब स्टार्ट किया था या आप यूट्यूब पर हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि 0 से लेकर 1,000 सब्सक्राइबर आज के टाइम में करना कितना मुश्किल होता है। तो यही मैं क्विक वीडियो आपको बनाकर बताना चाह रहा था कि किस तरीके से अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो कोई भी बड़ा क्रिएटर का, आप चाहे उसको कितने भी मैसेज कर लो, कुछ भी चीज कर लो, या फिर आप यूट्यूब से ही अगर सलाह मांगते हैं, यूट्यूब से ही अगर आप करने जाते हैं, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। और कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब पे है पर ये बड़े लोगों के ऊपर फॉलो नहीं करता। अगर बड़ा यूट्यूबर कोई भी इस तरीके की चीजें करता है तो यूट्यूब इसको इग्नोर कर देता है या क्या करता है। तो यूट्यूब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। प्यार देने के लिए शुक्रिया, और आपका कोई सजेशन हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक तो मेरे चैनल पे कभी भी आ सकती है, तो ये आप सजेशन दे सकते हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।